आज मेरे घर पर पूजा थी और मेरे घर 8-10 गेस्ट आने थे, तो बस सुबह सुबह जल्दी से उठ गई थी और खाना भी मुझे बहुत सारा बनाना था। और काम करने वाले जब अकेले होते हैं ना तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। और सुबह सुबह उठकर मैंने ना फटाफट से छोले उबाल दिए थे और बस नहा धोकर अब मैं आई थी किचन में। और काफ़ी काम तो ना मैंने रात को ही कर लिया था, जैसे सब्जी वब्जी काट कर रख ली थी और इनको धो करके छलनी में रख दिया था छानने के लिए। और इनको मैंने फ्राई कर लिया। सबसे पहले तो गोभी को मैंने फ्राई कर लिया है, आलू को फ्राई कर लेंगे। जब हम इस तरीके से फ्राई करके सब्ज़ी बनाते हैं ना तो बिल्कुल ही हलवाई स्टाइल सब्ज़ी बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है और जल्दी से बन जाती है, क्योंकि हाफ कुक तो हमारे फ्राई करने में ही हो जाती हैं ये सब्ज़ी। और दोनों चीज़ें फ्राई करने के बाद बस इनको हम निकाल लेंगे। और निकालने के बाद फिर से मैं ले लेती हूँ एक, ये मैंने बड़ा बर्तन ले लिया है क्योंकि सब्ज़ी हमारी ज़्यादा है, कढ़ाई में नहीं आ पाएगी, इसलिए मैंने बड़ा वाला भिगोना ले लिया है। इसमें मैंने डाल दिए हैं तेज़पत्ता, जीरा और साथ में ही मैंने रात को ही टमाटो प्यूरी भी बना कर रख ली थी और टमाटो प्यूरी भी इसमें डाल दूंगी। ये मैंने 7-8 टमाटर पीस कर रख लिए थे और यही मैंने एक मसाला बनाया था। इसमें मैंने डाल दिया था अदरक, हरी मिर्ची, साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा और साबुत सौंफ, ये सब चीज़ें मैंने डाला था। और इसका एक इतना टेस्टी सा मसाला बनता है ना, ये इससे सब्ज़ी में इतना मज़ा आ जाता है ना खाने में और बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी बनकर तैयार होती है और एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालने की ज़रूरत होती है इसमें। तो मैंने डाल दिया लाल मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर डाल दूँगी, धनिया पाउडर डाल दिया है मैंने इसमें, थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा पाउडर भी डाला है। और इसको कर लेते हैं अब अच्छे से मिक्स। तो ये देखिए टमाटर ने कितनी जल्दी तेल छोड़ दिया है। इसमें मैंने सब्ज़ी मसाला भी डाला था ताकि, क्योंकि भाई गेस्ट आने वाले हैं तो खाना तो अच्छा सा ही बनना चाहिए ना। और इसमें अब मिक्स कर देती हूँ मैं आलू और गोभी। आलू गोभी इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे अपने मसाले में अपनी सब्ज़ी को। और अब बस इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हाफ कुक तो ये ऑलरेडी हो। और देखिए इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। आज मैंने बड़ी जल्दी जल्दी में वीडियो बनाई है क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम हैं पूजा के। तो बस ये जैसे ही मिक्स हो जाएगी आती है, इसमें मैंने डाल दिया है मटर, तो मटर भी ऑलरेडी निकाली हुई थी और मटर भी डाल दी है। इसको भी करेंगे मिक्स। और मिक्स होने के बाद अब इसमें एक चीज़ रह गई है, इसमें डालेंगे हम नमक। नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे और इसको मिक्स करके अच्छे से और रख देते हैं, ढक करके रख देंगे इसको पकने के लिए। वैसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने का, इसमें 15-20 मिनट में सब्ज़ी हमारी रेडी हो जाएगी। तो देखिए जो पहले काम किया हुआ होता है ना उससे बहुत ही इजीली और जल्दी जल्दी से तैयार हो जाता है सारा काम। तो बस किसी की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं रहती है, ना ही हाथ पैर फूलते हैं किसी को आना हो तो। बस ढक करके इसको रख देंगे पकने के लिए। अब देख लेते हैं अपने छोले। तो मैंने छोले जो हैं ऑलरेडी उबाल लिए थे, इनको देख लेते हैं अच्छे से गल गए हैं कि नहीं। तो इनमें मैंने नमक और थोड़ा सा सोडा डालकर इन्हें उबाल लिया था। और कढ़ाई ले ली है, इसमें तेल, जीरा, तेज़पत्ता, लौंग और सब कुछ डाल दिया है मैंने। और इसमें डाल देती हूँ बचा हुआ टमाटर जो हमारा है, टमाटो प्यूरी इसमें डाल देंगे ये देखिए। और टमाटो प्यूरी डालने के बाद बस थोड़ी देर चलाएंगे, उसमें मसाले डालेंगे वही हमारी कश्मीरी लाल मिर्ची और जो हमने पाउडर पीस कर तैयार किया था ना वो अदरक और मिर्ची वाला, हरी मिर्ची, धनिया, जीरा और सौंफ का ये वाला पाउडर तो ना आप किसी भी सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही यमी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है हमारी। बाकी मसाले डाल देती हूँ, इसमें मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है खूब सारा, लाल मिर्ची डाल दी है, लाल मिर्ची थोड़ी कम डाली है क्योंकि हरी मिर्ची भी हमने यूज़ की है भर भर के इसमें, और गरम मसाला मैंने ऐड कर दिया है। तो बस ये देखिए तेल छोड़ दिया है हमारे मसाले ने और इसको अब डाल दूँगी मैं छोलों में। तो दूसरी साइड रखती हूँ इसको कढ़ाई को और इसको कुकर में पलट दिया है। थोड़ा सा मैंने डाल दिया है अमचूर पाउडर ताकि छोले जो है उनमें खटास आए अच्छे से, बढ़िया से बनकर तैयार हो। और इसको पकने के लिए रख देंगे थोड़ी देर और तब तक हम सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं। देखिए बीच बीच में इसको भी चेक करेंगे जल ना जाए। और दोनों ही चीज़ें अभी गैस पर हैं, तब तक मैं फटाफट से बना लेती हूँ अपना मूली का लच्छा। हमारे यहाँ मूली का लच्छा ना बहुत पसंद करते हैं, बहुत यमी लगता है। तो कुछ भी हो प्रोग्राम तो ये तो ज़रूर बनता ही है। तो मैंने मूली को छीलकर और अदरक को भी छीलकर रख लिया। फटाफट से मूली को हमने कस लिया है, अदरक को हमने काट लिया है बिल्कुल बारीक बारीक, इसके हमने जूलियंस काट लिए एक तरीके से, और हरी मिर्ची मैंने कट कर लिया बीच में से इस तरीके से। और मूली
मूली, अदरक और हरी मिर्ची, ऊपर से नींबू और नमक डालकर ये मूली का लच्छा रेडी हो गया। अब फटाफट से मैंने कर लिया है आटा हमारी पूरियों के लिए और ये बन गया है हमारा हलवा पूजा के लिए। तो बस मैंने सूजी भून ली थी घी में, ऊपर से डाल दी मैंने चाशनी, क्योंकि मैं चाशनी बनाकर ही डालती हूँ, बहुत ही अच्छा हलवा बनता है इससे। ये देखिए तो तैयार हो गया, इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट डाल दिए, हलवा भी रेडी हो गया हमारा पूजा के लिए। और इधर मैंने फटाफट से बना लिया अपना रायता। रायते में मैंने डाली हुई थी बूंदी, भुना हुआ जीरा, हरा धनिया, सारी चीज़ें बनाकर हमारा रेडी हो गया रायता। तो देखिए फटाफट से ना सारा खाना मेरा बनकर तैयार हो गया। 5 बजे मैं लगी थी और मेरा खाना 7 बजे तक रेडी हो गया है। सब्ज़ी बन गई है, ये देखिए सब्ज़ी रेडी हो गई है, इसमें भी बारीक कटी हुई अदरक और हरा धनिया डाल देंगे। सब्ज़ी रेडी है, ये देखिए कितनी बढ़िया सब्ज़ी बनी है हमारी, कलर कैसा आया ना शानदार। फटाफट से छोले भी रेडी हो गए, ये देखिए साथ ही साथ मेरा सब्ज़ी रेडी है और हलवा रेडी है और मेरा रायता रेडी है। ये देखिए सब कुछ तैयार हो गया है, बस गर्मा गर्म पूरी उतार लेंगे। और ये देखिए मेरी थाली बनकर तैयार है, कितनी यमी सी थाली बनी है ना, देखिए देखते ही खाने का मन कर रहा है हमारा। छोले, गोभी, मूली का लच्छा, हलवा, रायता और पूरी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, कमेंट में यमी लिख दीजिएगा और प्लीज़ शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा।